एक नटवरलाल की। रांची के लालपुर थाना प्रभारी ममता कुमारी के चंगुल में खुद को नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे के पीए बताकर धौंस जमाने वाला शातिर ठग को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी शातिर ठग ने कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों के पास धौंस जमाने का प्रयास किया है। देखिए कैसे पकड़ा गया फर्जी पीए साहब। विनय कुमार चौबे का फर्जी पीए लालपुर थाना प्रभारी के चंगुल में फंसा। फर्जी पीए कई आईएएस आईपीएस को भी फोन कर चुका है फर्जी पीए। फूड सेफ्टी ऑफिसर समेत कई थानेदार थे निशाने पर। बेरोजगार युवक युवतियों को बना चुका है शिकार। रांची के मोराबादी इलाके स्थित किराए के मकान में रहने वाला ये शख्स भले अभी हथकड़ी लगाए मासूम सा नजर आ रहा हो, लेकिन ये शातिर ठग रवि वर्मा है, जिसके झांसे में कई आईएएस आईपीएस भी आ गए हैं। ये रवि वर्मा झारखंड के लोहरदगा का रहने वाला है। इसने झारखंड के नगर विकास सचिव विनय चौबे का पीए बनकर कई अधिकारियों को फोन कर अपनी धौंस जमाता था। वहीं इसके साथ ही आरोपी रवि वर्मा कई युवक युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठने का काम किया करता था। आरोपी ने अपने मकान मालिक की बेटी को भी ठगने का काम किया। सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर इस रवि वर्मा ने युवती से लाखों रुपए ऐंठ लिए। रांची पुलिस के चंगुल में आरोपी तब आया जब लालपुर थाना प्रभारी ममता कुमारी को फोन कर शनिवार देर रात आरोपी अपना धौंस जमाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कुमार वर्मा नामक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है। ये इनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि ये काफी जो सरकार में लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने आप को जो हमारे अभी चीफ मिनिस्टर सर के सेक्रेटरी हैं विनय चौबे सर, उनका अपने आप को पीए बताकर और ट्रू कॉलर पे झारखंड सरकार का जो वर्तमान में लोगो है उसमें नाम एडिट कर अपने आप को इम्पर्सोनेट करके सभी सरकारी अधिकारियों को कॉल किया करते थे और गैरकानूनी दबाव बनाना और ये सब होता था, गलत सूचनाएं देना, ऐसी बात सामने आई थी। तो इनको आज गिरफ्तार करके इम्पर्सोनेशन जो धारा 419 आईपीसी में एक गैरकानूनी जुर्म है उसके तहत इनको अरेस्ट करके न्यायालय में प्रोड्यूस करा गया। धौंस जमाने का काम क्या? हाँ, इनका जो और सूचना मिली है प्रारंभिक ही है अभी, ये उसके लिए कई लोगों से नौकरी लगाने के लिए भी पैसा ऐठा है, तो धीरे धीरे वो भी जब अनुसंधान होगा वो सामने आएगा। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे के पीए बनकर अधिकारियों पर धौंस जमाने वाला शातिर अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आ गया है और अब आरोपी सलाखों के पीछे है। कैमरामैन गुड्डू के साथ रांची से न्यूज 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।